नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन एवं मेष राशि वाले जातकों का नीलम के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। मेष लगन वाले जातकों को नीलम किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए, क्योंकि मेष वालों के मुख्यतः भाग्य रत्न पुखराज, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए माणिक और राशि रत्न मूंगा होता है। ये तीनों ही रत्न सामान्यतः सामान्य परिस्थितियों में नीलम के साथ नहीं पहने जाते। तो आपको किन परिस्थितियों में नीलम पहनना चाहिए या पहनना बेहद ज़रूरी हो जाता है यदि आप सफलता चाहते हैं जीवन में, यही बात आज करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न से, लग्न का ज्ञान नहीं है तो मेष राशि से भाग्य रत्न होता है पुखराज, बृहस्पति का रत्न है, धनु राशि आपके 9वें स्थान में पड़ती है। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर होने पर, बृहस्पति के अति बाल्य अति वृद्ध या मृत अवस्था में होने पर आपको पुखराज ही पहनना चाहिए। लेकिन यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, युवावस्था में है और शनि कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि जो पहले से ही मजबूत है उस भाव का फल तो आपको पूरा मिलेगा, लेकिन जो ग्रह कुंडली में कमज़ोर है उस भाव के फल में कमी आ जाएगी स्वभावतः। तो शनि अगर कमज़ोर स्थिति में है तो शनि आपकी कुंडली में 10वें और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं। 10वां स्थान कर्म का, उच्च पद की प्राप्ति का, पिता का, आकाश का, मान सम्मान से संबंध रखने वाला भाव होता है। 11वां भाव सभी प्रकार की इनकम, सभी प्रकार की आय को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार मनुष्यों की आयु होती है उसी प्रकार ग्रहों की भी आयु निर्धारित की गई है। कुंडली में एक राशि में 30 डिग्री होती है, कोई भी ग्रह 3 डिग्री तक गर्भावस्था में, 3 से 10 तक बालक, 10 से 20 तक युवा, 20 से 27 तक बूढ़ा और 27 के बाद मृत अवस्था में आ जाता है। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव 5 डिग्री से नीचे हैं, अति बालक या मरे हुए हैं, 25 के ऊपर हैं, या तो बहुत बूढ़े हैं या मृत अवस्था में हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको नीलम ज़रूर पहनना चाहिए। नहीं तो जो भी काम आप करोगे उसी काम में आपको हानि का, टेंशन का, तनाव का सामना करना पड़ेगा। आपकी इनकम डिसबैलेंस रहेगी, इनकम में स्थिरता नहीं रहेगी। लेकिन परिस्थिति यह है कि बृहस्पति पहले से ही मजबूत हैं, 9वें घर का स्वामी पहले से ही मजबूत है, तो फिर पुखराज की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब सर्च करें शनि पर, शनि के कमज़ोर होने पर आपको नीलम अवश्य पहनना चाहिए। कामना करता हूँ थोड़े टाइम में दी गई सटीक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।